Hello everyone, today I am going to teach you our resources which are related to class 8. Dear student, हम लोग previous video में resource and their classification को देखे थे. आज हम लोग natural resource के classification को देखने के लिए जा रहे हैं. पिछले video में हम लोग नेचुरल रिसोर्स को चार भागों में क्लासिफाइड किए थे, जिसमें मेरा पहला था बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति या उद्भव स्रोतों के आधार पर रिसोर्सेस कितने तरह के होते हैं. हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो था बेस्ड ऑन देयर कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी, सतत उपलब्धता के आधार पर रिसोर्सेस कितने तरह के होते हैं. फिर हम लोगों ने उसको भी देखा. अब हमारा नेक्स्ट जो दो पॉइंट्स है, बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की स्थिति के आधार पर, और बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर रिसोर्सेस कितने तरह के होते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस दो पॉइंट को डील करेंगे, जिसमें से मेरा पहला है बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी. तो चलें हम लोग अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं. Based on the stage of development मतलब विकास की स्थिति, विकास के अवस्था के आधार पर रिसोर्सेस कितने तरह के होते हैं. तो बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ resources, two types of resources. विकास की स्थिति के आधार पर resources मुख्यतः दो तरह के होते हैं, two types of resources. उसमें से मेरा पहला जो है वो है potential resources से मतलब है संभाव्य संसाधन. संभाव्य संसाधन या पोटेंशियल रिसोर्सेस किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसका हिंदी मीनिंग शो कर रहा है, संभाव्य कहने का मतलब है इस तरह के रिसोर्सेस का अभी कोई अस्तित्व नहीं है, बट इन फ्यूचर दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस, ऐसा हम कह सकते हैं. कहने का मतलब है देयर इज नो एग्जिस्टेंस सच टाइप्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेस इन दिस सर्कमस्टेंसेस, इस परिस्थिति में अभी कोई इसकी जरूरत नहीं है और ना ही इसका कोई अस्तित्व है, लेकिन निकट भविष्य में ये सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज्यादा मदद करने वाली है. तो चलिए अब हम सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेस को देखेंगे. Those resources which can not be used at present but they can be used in future and their entire quantity is unknown. कहने का मतलब है ये उस तरह के संसाधन होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका हमारे पास में कोई किसी तरह के स्टोरेज का कोई प्रश्न ही नहीं है. कितना भंडारण है इसका, इस चीज की हमें कोई जानकारी नहीं है, बट नियर फ्यूचर निकट भविष्य में ये हमारे काम के रिसोर्सेस हैं, हम इसे काम में ला सकते हैं, बट एट प्रेजेंट इसका कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है. फॉर एग्जांपल,
और एग्जांपल द स्कोप ऑफ विंड एनर्जी इन राजस्थान पवन ऊर्जा का राजस्थान में स्कोप देखा जा सकता है बट एट प्रेजेंट किसी तरह का यूटिलाइजेशन वहां से हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट द स्कोप ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात और गुजरात में सोलर पैनल का लगाया जाना जो कि अभी काम चल रहा है, निकट भविष्य में हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट इसी सोलर एनर्जी पर हो जाएंगे। और भी एग्जांपल देख सकते हैं द मिनरल्स फाउंड इन द हिमालयन रीजन मिनरल्स का हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाना। डियर स्टूडेंट ये सब सभी इन फ्यूचर के रिसोर्सेस हैं, अभी इसका कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है, खोजा जा रहा है। अब आने वाले भविष्य में आने वाले फ्यूचर टाइम में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हम लोग इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन वर्तमान में यहाँ ये तीन जगह जो जो हम स्कोप देख रहे हैं द स्कोप ऑफ विंड एनर्जी इन राजस्थान, द स्कोप ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात, द मिनरल्स फाउंड इन द हिमालयन रीजन, इस तरह के किसी भी रिसोर्सेज का अभी कोई अस्तित्व वर्तमान में मौजूद नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर वो हमारा है एक्चुअल रिसोर्सेस, और उसे हम दूसरी भाषा में डेवलप्ड रिसोर्सेस भी कहते हैं। अब हम दूसरा जो देखेंगे वो है एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेस, वास्तविक या इसे ही हम विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेस, दोज रिसोर्सेस व्हिच आर यूज्ड इन एक्चुअल और बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस आर termed as actual or developed resources, वास्तविक संसाधन से आप क्या समझते हैं? What do you mean by actual or developed resources? Those resources which are used in actual or being used in humans are termed as actual or developed resources. वर्तमान में हम मनुष्यों के द्वारा जिन संसाधनों का उपयोग, जिन संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, सच रिसोर्सेस आर रेफर्ड एज डेवलप्ड और एक्चुअल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल, वेरियस एनर्जी सोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स ETC आर
द बेस्ट सोर्सेस, बेस्ट सोर्सेस ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेस, वेरियस एनर्जी सोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स एटीसी आर द बेस्ट सोर्सेस ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेस। वास्तविक संसाधन के अंतर्गत हम लोग सभी तरह के कोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल इत्यादि एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं और इसका यूटिलाइजेशन भी बड़ी जोर शोर से हो रहा है। सच रिसोर्सेस आर रेफर्ड एज एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिसे हम विकसित संसाधन या फिर वास्तविक संसाधन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने तरह के होते हैं। Based on the utility, there are four types of resources. उपयोगिता के आधार पर संसाधन मुख्यतः चार तरह के होते हैं। सबसे पहला जो उसमें से होता है वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, जिसे हिंदी में हम कृषि संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि संसाधन, और इंग्लिश में उसे एग्रीकल्चर रिसोर्सेस कहते हैं। इस तरह के रिसोर्सेस, जैसा कि नाम से ज्ञात है, एग्रीकल्चर सभी प्रकार के, जितने प्रकार के एक्टिविटीज हम लोग एग्रीकल्चर के थ्रू प्राप्त करते हैं, क्रॉपिंग करना, इरिगेशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जिसको हम इसी एग्रीकल्चर रिसोर्सेस के अंतर्गत संपन्न करते हैं। और हम इसे देखते हैं जो कैसे इसको डिफाइन किया जाए। दोज रिसोर्सेस व्हिच वी मेनली गेट बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। कृषि संसाधन किसे कहते हैं? द रिसोर्सेस, दोज रिसोर्सेस व्हिच मेनली गेट बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसे संसाधन जिन्हें हम कृषि कार्यों को संपन्न करके प्राप्त कर सकते हैं, सच रिसोर्सेस आर रेफर्ड एज कॉल्ड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉपिंग, इरिगेशन, अप्लाइंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, ये सब के सब एग्रीकल्चर रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट, नियरली 70% ऑफ इंडियन पीपुल, इंडियन पीपुल इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर एंड दे गेट देयर मोस्ट ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग्स, क्लॉथिंग्स। कृषि संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जो भिन्न भिन्न तरह की कृषि कार्य क्रियाकलापों को अपना करके
तब हम इन संसाधनों को प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत क्रॉपिंग, इरिगेशन, अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर एटीसी बहुत सारे एक्टिविटीज इसमें सम्मिलित हैं। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो है, जो नियरली 70% ऑफ इंडियन पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमारे यहाँ, हमारे देश भारत में 70% से ज्यादा लोग कृषि कार्यों में इन्वॉल्व हैं, और इसी के माध्यम से वो अपना जो तीन बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर और क्या कहते हैं क्लॉथिंग्स, इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे उसे हम पेस्टोरल रिसोर्सेस कहते हैं। तो चलिए पेस्टोरल पेस्टोरल रिसोर्सेस को देखते हैं। पेस्टोरल रिसोर्सेस, जिसे हम हिंदी में देहाती संसाधन कहते हैं, देहाती संसाधन, पेस्टोरल रिसोर्सेस। दोज रिसोर्सेस व्हिच वी मेनली गेट फ्रॉम एनिमल्स आर रेफर्ड एज पेस्टोरल रिसोर्सेस। पेस्टोरल रिसोर्सेस ऐसे संसाधन जो सुदूर देहात के क्षेत्रों में डेवलप होता है और कंप्लीटली एनिमल्स के थ्रू उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। सच रिसोर्सेस आर रेफर्ड एज पेस्टोरल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल इन डिस्टेंट पेस्टोरल रीजन पीपुल रियर वेरियस एनिमल्स एंड फुलफिल देयर नेसेसिटीज सिटीज। सुदूर देहात के क्षेत्रों में इन डिस्टेंट पेस्टोरल रीजन पीपुल रियर एनिमल्स वेरियस एनिमल्स एंड फुलफिल देयर नेसेसिटीज। जीव जंतुओं को, जानवरों का लालन पालन करते हैं, उनसे भिन्न भिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावे भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपुल पीपुल यूज एनिमल कार्ट्स टू ट्रांसपोर्ट नेसेसरी मैटेरियल्स। देहात के क्षेत्रों में अधिकांश लोग एनिमल कार्ट्स का उपयोग करते हैं, जैसे बुलक कार्ट होता है जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, टांगा है जिसे हम तांगा कहते हैं। ये सब कुछ एक देहाती संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग तरह तरह के मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने ले आने में किया जाता है। साथ ही साथ हम हमारे देहात के क्षेत्रों में प्लॉइंग का काम, टिलिंग का काम जो किया जाता है वह भी एनिमल्स के थ्रू ही किया जाता है। डियर स्टूडेंट, सो वी कैन से दैट इन पेस्टोरल रिसोर्सेस ओनली देर इज अ ग्रेट यूज ऑफ एनिमल्स। सिर्फ जानवरों का ही उत्तम प्रयोग होता है क्योंकि जानवर को ही पेस्टोरल रिसोर्सेस के अंतर्गत में प्रायोरिटी दी जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनर्जी रिसोर्सेस। अब हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेस को।
जिसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। एनर्जी रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस जिसे हिंदी में हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेस सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ईटीसीआर कलेक्टिवली टर्म्ड एज एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत सभी प्रकार के कोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ईटीसीआर को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है ये सब के सब ऊर्जा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं और हम जिस संसाधन के तहत इन भिन्न भिन्न प्रकार के ऊर्जाओं को प्राप्त करते हैं, सच रिसोर्सेस आर रेफर्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो है मिनरल रिसोर्सेस, जिसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। अब हम उसे डिफाइन करेंगे। मिनरल रिसोर्सेस, हिंदी में उसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। मिनरल रिसोर्सेस जिसे हिंदी में हम खनिज संसाधन कहते हैं। खनिज संसाधन दोज रिसोर्सेस व्हिच वी मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ माइनिंग इज टर्म्ड एज मिनरल रिसोर्सेस। ऐसे संसाधन जिसे हम खनन प्रक्रिया के द्वारा माइनिंग, यहां माइनिंग से मतलब है खनन, इन खनन प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी को खोद करके पृथ्वी के गर्भ से उसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सच रिसोर्सेस आर रेफर्ड एज मिनरल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर, लौह अयस्क, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, इटीसी आर द बेस्ट सोर्सेस, बेस्ट सोर्सेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। सभी तरह के आयरन ओर्स, लौह अयस्क, कॉपर जिसे हम तांबा कहते हैं, ब्रास जिसे हम पीतल कहते हैं, ब्रॉन्ज जिसे हम कांसा कहते हैं, एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम ही है, ये कुछ एक ऐसे मेटल्स हैं जिसको खनन प्रक्रिया के द्वारा जमीन के गर्भ से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये सब के सब मिनरल रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं जिसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। इसी के साथ आपका ये ज्योग्राफी का चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑब्जेक्टिव्स आपको पीडीएफ के थ्रू प्रदान किया जा रहा है, जो आप लिंक पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के प्रेजेंट होंगे। धन्यवाद।
जिसमें हम ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।